हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने स्टॉक की एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि कितना स्टॉक जो है हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। तो हम वही हमारा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो हमने चैनल के ऊपर अपलोड किया था ज्वेलरी शॉप के रिलेटेड, कि कैसे आपने जो है स्टॉक डिटेल को अपडेट करवाना है डेटाबेस में, ताकि हम जो है फ्यूचर में उसकी एक स्टॉक की जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर पाएँ। तो उसी वीडियो ट्यूटोरियल का ये अगला पार्ट है जो हमने लास्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर अपलोड किया था, वो अगर आपने नहीं देखा कि कैसे स्टॉक डिटेल को अपडेट करवाना है डेटाबेस में, जैसे ही कोई यूज़र आपकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट की जो है परचेज करता है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो स्टॉक के रिलेटेड डिटेल्स हैं उनकी एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसको एज ए PDF जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास ये एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। ये हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाली एग्जांपल किस टॉपिक के रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो एक डिटेल डिस्प्ले हो चुकी है, वो बेसिकली मैंने डेटा जो है डेटाबेस के एक टेबल में से रिट्रीव किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास हर एक रिकॉर्ड के पर्टिकुलर टोटल क्वांटिटी, कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं, वो सारी डिटेल जो है पांचों प्रोडक्ट की जो है अवेलेबल है डेटाबेस के टेबल में। इस डिटेल को आपने अपडेट कैसे करना है, अगर वो आपको नहीं पता तो आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है चैनल के ऊपर वो ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने उसमें बताया है कि कैसे आप जो है स्टॉक के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको अपडेट करवा सकते हैं, जैसे ही यूज़र जो है आपकी वेबसाइट में से कोई परचेज करने के बाद चेकआउट करता है। तो चलिए, इसी डेटा को कैप्चर करके हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले किया है, ताकि आप जो है इस स्टॉक डिटेल रिपोर्ट को जो है एनालाइज कर सकें, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकें। और जैसे ही मैं डाउनलोड एज ए PDF बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरे PC के ऊपर एक PDF में फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है ब्राउज़र के अंदर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टॉक के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनकी एक PDF फाइल जो है तैयार हो चुकी है। तो आप इस PDF फाइल को किसी को ईमेल कर सकते हैं, या अपनी पेन ड्राइव के अंदर सेव करवा के रख सकते हैं, या अपने PC के अंदर सेव कर सकते हैं, या इन फ्यूचर में इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा कर जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के रिलेटेड हमारी आज की एग्जांपल है। तो मैं इस पूरी एग्जांपल को जो स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल, अब आपने सेलेक्ट करना है न्यू, अब आपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए, एक डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है ASP.NET MT वेबसाइट, और जो टेम्पलेट के अंदर मैं प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ वो है Visual C#। तो चलिए, यहाँ पे आपने जो है फोल्डर का पाथ प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आज की एग्जांपल का सारा जो सोर्स कोड है वो सेव होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ स्टॉक जनरेशन प्रोग्राम इन ASP.NET। तो यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरे प्रोजेक्ट का जो नेम है, जो प्रोजेक्ट है, वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू आइटम। अब आपने इस डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट करना है वेब फॉर्म, आप चाहें तो इस वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे आपने जो है PDF को डाउनलोड करवाने के लिए जो है कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंट्रोल हम यूज़ करेंगे टूल बॉक्स में से वो है लेबल। तो यहाँ पर लेबल को डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी चेंजेस करनी है, तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में हम सारा जो वर्क है वो लाइव एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ताकि आपको जो है प्रोग्रामिंग और अच्छे से जो है समझ आए। हम आपको सारा जो सोर्स कोड है वो भी साथ में प्रोवाइड करते हैं, ताकि पहली बार प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम को जो है हमारे साथ ईमेल के थ्रू या फिर हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है शेयर कर पाएंगे, ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा पाएँ। इन केस आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया घूम रहा है जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो आइडिया भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे उसकी जल्द से जल्द एज ए वीडियो ट्यूटोरियल बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ, ताकि वो आपके लिए और बाकी सभी मेंबर्स के लिए जो है वो हेल्पफुल रहे। तो चलिए यहाँ पे एक लेबल और इंसर्ट करते हैं। इस लेबल के अंदर जो है आज के प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो लिख देते हैं, स्टॉक डिटेल्स एज रिपोर्ट इन ASP.NET यूजिंग सी शार्प फॉर शॉपिंग वेबसाइट। तो चलिए इसका जो फॉर कलर है वो आपने यहाँ पे रेड कर देना है। अब हमने यहाँ पे जो है रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए या डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कंट्रोल यूज़ करना है, जिसका नेम है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो यहाँ पे ग्रिड व्यू को डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने जो है डेटा को रिट्रीव करवाना है, ताकि हम इस ग्रिड व्यू को जो है फिल करवा सकें। तो डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए मैं एक कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, जिसका नेम है SQL डेटा सोर्स। तो इसको डबल क्लिक करके वेब फॉर्म के ऊपर ऐड कर देते हैं। बेसिकली जब भी आपने SQL सर्वर से कोई डेटा रिट्रीव करवाना है, तो आपके लिए ये जो कंट्रोल SQL डेटा सोर्स ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो एक बार मैं आपको SQL सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है, जो टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका एक ओवरव्यू मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, वो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप SQL सर्वर के साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने PC और लैपटॉप के ऊपर इसको इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सर्वर का जो नेम है वो लिखा आ चुका है। आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरी जो कनेक्टिविटी है वो सर्वर के साथ हो चुकी है। डेटाबेसिस के अंदर जो डेटाबेस आज की एग्जांपल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेम है ज्वेलरी शॉप, और इसके अंदर जो टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है प्रोडक्ट्स डिटेल्स। और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी इजी है, सिंपल सा डिज़ाइन हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हमने जो है 8 कॉलम यूज़ किए हैं, डिज़ाइन आईडी, प्रोडक्ट का नेम, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस, उसकी इमेज का लिंक, प्रोडक्ट की इमेज का लिंक, टोटल क्वांटिटी कितनी है, अवेलेबल कितनी है और कितनी सोल्ड आउट हो चुकी है। तो ये सारी डिटेल हमने जो है टेबल के अंदर रिकॉर्ड करके रखनी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी जो टेबल है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। और इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है 5 प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे सेव करवा के रखा हुआ है। जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो बेसिकली एक फोल्डर के अंदर हैं, फोल्डर का नेम हमने जो रखा है वो है इमेजेस। तो चलिए ये फोल्डर का नेम कैसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपने जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड करना है न्यू फोल्डर। अब आपने यहाँ पे लिखना है इमेजेस। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के रिलेटेड इमेजेस लिखनी, इमेजेस इंस्टॉल करनी है, पेस्ट करनी है। तो इमेजेस जो है पहले से हमने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो चलिए इन इमेजेस को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे हमने जो है इसको जो है पेस्ट करना है। तो आपने इमेजेस का जो साइज़ है, जो डायमेंशन है, वो सेम रखनी है। मैंने जो डायमेंशन यूज़ की है वो है 200x200। अब हमने जो है इस तरीके का जो टेबल है, इस तरीके का जो डेटाबेस है, वो क्रिएट कर लेना है इस एग्जांपल के लिए पहले से ही। तो चलिए इसको जो है एग्जिट कर देते हैं। अब हमने प्रोजेक्ट की तरफ चलना है, तो यहाँ पे हमने जो है SQL डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स के ऊपर। अब आपने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे अपने सर्वर का नेम लिखना है, मैं अपने सर्वर का यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ। जो ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। अब हमने यहाँ से जो है अपने डेटाबेस का जो नेम है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक दो मिनट के अंदर जो सभी डेटाबेसिस के जो नेम्स हैं वो फिल हो जाएंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, और उसमें से आज की एग्जांपल के लिए जो हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको लोड होने देते हैं डेटाबेसिस की लिस्ट को, और वेट करते हैं। जैसे ही लोड होती है डेटाबेस की लिस्ट, उसमें से हम जो है
आज की एग्जांपल का जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट करेंगे ज्वेलरी शॉप, और इसको एक बार टेस्ट कनेक्शन करके देख लेते हैं, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही टेबल था, वो पहले से ही सिलेक्टेड है, और यहाँ पे जो कॉलम्स हम यूज़ करना चाहते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए उनको वन बाय वन हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और मैंने ये वाले कॉलम जो है सिलेक्ट करवा लिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है इसको सिलेक्ट करवा सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और एक बार टेस्ट क्वेरी करके देख लें डेटा प्रॉपरली रिट्रीव हो रहा है। इसका मीनिंग है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट था वो बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट हुआ है। अब हमने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, तो अब आप देख पाएंगे कि एसक्यूएल डेटा सोर्स जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है प्रॉपरली। अब हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करना है, तो ग्रिड व्यू कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट ना कीजिए तो बढ़िया है, क्योंकि हमने इसको एज ए पीडीएफ कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एसक्यूएल डेटा सोर्स वन। तो अब हमने यहाँ पे एडिट कॉलम्स के अंदर जाना है, हर एक कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसका हेडर टेक्स्ट जो है प्रॉपरली लिखना है, ताकि रिपोर्ट के अंदर जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। तो यहाँ पे हमने जो है इसका जो हेडर स्टाइल है इसको भी अलाइन हॉरिजेंटल करना है, और जो आइटम स्टाइल है इसको भी हमने जो है हॉरिजेंटल करना है। इसी तरीके से सभी यहाँ पे वन बाय वन कॉलम्स को सिलेक्ट करते जाना है, और इन सभी का जो हेडर स्टाइल है इनको भी सेंटर में अलाइन करना है आपने, और इसका जो आइटम स्टाइल है इसको भी जो है अलाइन करना है सेंटर में। अब हमने इसको प्राइस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसका जो हेडर टेक्स्ट है प्रॉपरली लिखते हैं प्राइस, और इसकी जो अलाइनमेंट है उसी तरीके से हेडर स्टाइल की अलाइनमेंट जो है हॉरिजेंटल करनी है सेंटर, और आइटम स्टाइल की जो अलाइनमेंट है वो भी हमने करनी है हॉरिजेंटल सेंटर। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल क्वान्टिटी, और इसका भी जो हेडर स्टाइल है वो हमने लिखना है प्रॉपरली सेंटर में, और इसी तरीके से आइटम स्टाइल जो है वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटर। अब हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रॉपरली लिखिए अवेलेबल अवेलेबल क्वांटिटी, और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो हमने करनी है हेडर स्टाइल की अलाइनमेंट जो है हमने करनी है सेंटर में, और इसी तरीके से आइटम स्टाइल की जो अलाइनमेंट है वो हमने करनी है सेंटर में। लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड आउट क्वांटिटी, और इसी तरीके से इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो हमने हेडर स्टाइल की करनी है सेंटर में, और इसी तरीके से जो हमने आइटम स्टाइल की जो इसकी अलाइनमेंट है वो करनी है सेंटर में। तो अब हमने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरा जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है वो कन्फिगर हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो है एक बटन को डिफाइन करना है, ताकि हम इसको एज ए पीडीएफ डाउनलोड करवा सकें। तो बटन को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं डबल क्लिक करके, इस बटन की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिखेंगे डाउनलोड रिपोर्ट एज ए पीडीएफ, डाउनलोड रिपोर्ट एज पीडीएफ। तो अब हमने जो है इसको करना क्या है, अब हमने यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर पाएंगे। तो चलिए बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं। अब हमने जो है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास है, जिसका नाम है आई टेक्स्ट शार्प। तो ये एक डीएलएल फाइल है, इसको हम इम्पोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो डीएलएल फाइल है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, आप इजीली इसको जो है डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे, और कोडिंग भी हमने पहले से कर रखी है इसके रिलेटेड कैसे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो ये कोडिंग भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, इसको आप इसको प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे डाउनलोड करवाने के बाद। अब हमने इसको आई टेक्स्ट शार्प को यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने इस आई टेक्स्ट शार्प जो डीएलएल की फाइल है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, इसको ऐड करना है सिलेक्ट करवाने के बाद। अब हमने ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएल की जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये आपके किसी भी टेक्स्ट को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करवाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ईजिली जो है इसके अंदर फैसिलिटी मिल जाएगी, ताकि आप इस किसी ग्रिड व्यू कंट्रोल को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करवा सके। अब हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है कोडिंग के लिए, कोडिंग हमने पहले से कर रखी है, तो कोडिंग चलिए इसको कैसे कोडिंग को यूज़ करना है। सबसे पहले हमने इन नेम स्पेसिस को यूज़ करना है, तो इनको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और सबसे ऊपर जहाँ पे नेम स्पेसिस डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे हमने इनको जो है कॉपी पेस्ट करना है। अब हमने इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी करना है,
और कोडिंग को कॉपी करने के बाद बटन क्लिक इवेंट के अंदर जो है इसको पेस्ट करना है। कोडिंग काफ़ी इजी है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हर एक कोड के बारे में, ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप थ्रेटिकली इसको यूज़ करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग राइटर क्या होता है इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं, HTML टेक्स्ट राइटर क्या होता है इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। बेसिकली हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल को जो है रेंडर करवाया है इसके थ्रू, और इसको एज ए PDF में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर हमने PDF का जो नेम है वो लिखा हुआ है। अब हमने एक ओवरराइड करना है मेथड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस मेथड को यहाँ से कॉपी करना है। तो बेसिकली इसको ओवरराइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने यहाँ पे जो है पेस्ट करना है। तो इस तरीके की हमारी कोडिंग है। अब हमारी कोडिंग जो है वो हो चुकी है, हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल रेडी है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे रिपोर्ट जो है प्रॉपरली डेटाबेस से रिट्रीव हो चुका है, डेटा उससे जनरेट हो चुकी है। हम जैसे ही डाउनलोड रिपोर्ट एज ए PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक PDF जो है ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे देखना पड़े तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डेटा जो है प्रॉपरली जो है सेंट्रली अलाइंड होके जो है PDF में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो है एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं स्टॉक के रिलेटेड, ताकि हम उसका एनालाइज कर सकें कि कितनी क्वांटिटी जो है अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी जो है सोल्ड आउट हो चुकी है और कितनी क्वांटिटी हमारे पास टोटल थी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो ये वाली एग्जांपल भी हमें काफ़ी दिनों से एक हमारे ही चैनल के मेंबर ने बार बार ईमेल करके रिक्वेस्ट की थी कि कुछ इस तरीके की जो एग्जांपल है डेवलप करना बताएं, जिसमें हम स्टॉक की जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर पाएँ। तो ये एग्जांपल उसी रिक्वेस्ट के रिलेटेड है और मुझे इसकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी लगी, क्योंकि ई कॉमर्स में इसका काफ़ी यूज़ है। तो बाकी सभी के लिए मैं आशा करता हूँ ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको इस एग्जाम्पल से कोई नॉलेज मिली है, इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुई है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू से शेयर कर दें। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल की वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। आने वाले दिनों में हम जो है MVC के रिलेटेड जो वीडियो सीरीज़ है वो भी शुरू करने वाले हैं, तो अपडेटेड रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।